हेलो फ्रेंड्स, आज की है वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस इंजेक्शन का यूज करने के बाद आपकी बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाती है। तो उस इंजेक्शन का नाम है मोनोसेफ इंजेक्शन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या इस इंजेक्शन के फायदे हैं और इस इंजेक्शन को लगाने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं और कौन से ऐसे पेशेंट है जिन्होंने इस इंजेक्शन का यूज नहीं करना है। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो आपने मोनोसेफ इंजेक्शन को लगवाने के बाद यूज नहीं करनी है। तो पूरी जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोनोसेफ इंजेक्शन की कंपनी के बारे में। बात कर तो इस इंजेक्शन को अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इस इंजेक्शन की कंपोजिशन के बारे में बात कर तो इसमें सेफ्ट्रिएक्सोन कंपोजिशन दिया होता है। अगर हम इस इंजेक्शन की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर तो यह इंजेक्शन आपको 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 1 ग्राम, 1.5 ग्राम और 2 ग्राम की स्ट्रेंथ में मिल जाता है और उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से ही इनका एमआरपी भी अलग अलग होता है। अब हम बात कर लेते हैं मोनोसेफ इंजेक्शन के फायदों के बारे में। बात कर तो इस इंजेक्शन का उपयोग यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। जब आपको पेशाब में जलन होती है, दर्द होता है और आपका पेशाब भी रुक रुक कर आता है तो तब भी मोनोसेफ इंजेक्शन का यूज लिया जाता है। और बात कर तो इस इंजेक्शन का उपयोग अगर आपको कान का इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि आपके कान में पस हो गई है या आपके कान में किसी तरह का कोई दाना निकल आया है जिसकी वजह से वहां पर दर्द और सूजन होती है तो उसको ठीक करने के लिए भी मोनोसेफ इंजेक्शन का यूज लिया जाता है। और बात कर तो मोनोसेफ इंजेक्शन का उपयोग सूजन को कम करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। अगर आपको किसी तरह की सूजन हो गई है या आपको किसी चोट के कारण सूजन हो गई है तब भी मोनोसेफ इंजेक्शन का यूज लिया जाता है। और बात कर तो इस इंजेक्शन का उपयोग लाइमस रोग में भी किया जाता है। लाइमस रोग सूजन व लालिमा से संबंधित एक इन्फेक्शन है जो मनुष्यों में एक कीट के काटने से फैलता है। ये छोटे जीव व्यक्ति की त्वचा से चिपक जाते हैं व कुछ दिनों तक त्वचा से खून चूसते हैं और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। तो लाइमस रोग को ठीक करने के लिए भी मोनोसेफ इंजेक्शन का यूज लिया जाता है। और बात कर तो मोनोसेफ इंजेक्शन का उपयोग मेनिनजाइटिस की समस्या को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। और बात कर तो स्किन के इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस या आपको फूड पॉइजनिंग हो गया है तब भी मोनोसेफ इंजेक्शन का यूज लिया जाता है। और बात कर तो मस्तिष्क के संक्रमण को ठीक करने के लिए भी मोनोसेफ इंजेक्शन का यूज लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह थे मोनोसेफ इंजेक्शन के कुछ फायदे। हो सकता है कोई डॉक्टर अपने नॉलेज के अनुसार इस इंजेक्शन का उपयोग शोर समस्या को ठीक करने के लिए यूज मिले। अब फायदे जानने के बाद हम मोनोसेफ इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बात कर तो इस इंजेक्शन को लगवाने के बाद आपको उल्टी या दस्त की समस्या भी हो सकती है या आपको पेट में दर्द का होना या आपको गले में खराश भी हो सकती है या आपको एरिथमा की समस्या भी हो सकती है। इसमें आपको चमड़ी पर लाल दाने हो जाते हैं या आपको सिर में दर्द का होना, चक्कर का आना, ठंड का लगना, यह कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको मोनोसेफ इंजेक्शन को लगवाने के बाद दिखाई दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो आपने मोनोसेफ इंजेक्शन को लगवाने के बाद यूज में नहीं लेनी है। बात कर तो कैल्शियम कार्बोनेट, साइक्लोसोप्रीन, इथिनाइल, एस्ट्राडियोल, वारफारिन, अमिकासीन, यह कुछ दवाएं हैं जो आपने मोनोसेफ इंजेक्शन को लगवाने के बाद यूज में नहीं लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें किसी व्यक्ति को इस इंजेक्शन का यूज नहीं करना है। बात कर तो जिनको हाथों में सूजन है, पेट में सूजन है या जिनको पीलिया है या जिनको एसिडिटी की समस्या है या जिनको गुर्दे की बीमारी है या जिनको लीवर रोग है या जिनको मोनोसेफ इंजेक्शन के प्रति एलर्जी है या जिनको सिफालिस रोग है, यह कुछ ऐसे पेशेंट है जिन्होंने मोनोसेफ इंजेक्शन का यूज करने से पहले सावधानी बरतनी है। अब वीडियो के लास्ट में हम बात कर लेते हैं मोनोसेफ इंजेक्शन की डोज के बारे में और इंजेक्शन को
कौन से रूप से दिया जाता है। बात कर तो इस इंजेक्शन को अडल्ट में 1 ग्राम का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को 3 से 5 दिन लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को आईवी और आईएम लगाया जाता है। अगर आप इस इंजेक्शन को आईएम लगाते हैं तो यह इंजेक्शन आपको डीपली लगाना होता है। अगर आप इस इंजेक्शन को आईवी देते हैं तो आपने स्लो आईवी यह इंजेक्शन देना होता है। तो फ्रेंड्स, यह थी मोनोसेफ इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।